हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष तिवारी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं होंडा की तरफ से आने वाली एक प्रीमियम सेडान के बारे में, जो कि है होंडा सिटी। एंड आज हम बात करेंगे इसके टॉप एंड वेरिएंट की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं इसी कार के बारे में। तो आप अपने सामने देख रहे हैं होंडा सिटी का टॉप एंड वेरियंट ZX। एंड ये इसका मेटेलिक ग्रे कलर है एंड कुछ इस टाइप से है फ्रंट का लुक। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात कर लें ये ग्रिल की, तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर ग्रिल मिल जाएगा। पूरा इधर क्रोम ट्रीटमेंट दिया हुआ है एंड यहाँ पर आपको होंडा का लोगो एंड नीचे कुछ ये स्पोर्टी लुक इसको देने के लिए कुछ इस टाइप से इसका मैश दिया हुआ है। एंड इसमें भी डिज़ाइंस दी हुई हैं। इधर आपका फॉग लैम्प एंड उसके ऊपर आपका LED हेडलैम्प का सेटअप है। तो इसमें ही आपको हाई बीम एंड लो बीम का दिया हुआ है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इधर एडास मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसका साइड का लुक। देन अगर व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको डायमंड कट अलॉय में व्हील्स मिल रहे हैं। एंड टायर साइज़ की बात करें तो 185/55/R16, तो 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक्स देते हैं इस कार को। यहाँ पर आपका ORVM एंड ये ऑटो फोल्डिंग ORVMs हैं। इधर यहाँ पर आपके डोर हैंडल्स पे भी क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है एंड आपको यहाँ पर पूरा LED टर्न सिग्नल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर बात कर लें आप इसकी लेंथ की, तो 4583 mm की लेंथ मिलती है। एंड यहाँ पर आपको इसकी विड्थ जो है वो 1748 mm की मिल जाएगी। एंड ओवरऑल हाइट की बात करें तो आपको 1489 mm की मिल जाएगी। एंड व्हील बेस 2600 mm का मिलता है। तो 2600 mm का व्हील बेस है तो आपको काफ़ी स्पेशियस मिल जाएगी। स्पेस को लेकर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अगर आपको दिखाऊं मैं तो कुछ इस टाइप से है इसका रेयर का लुक। यहाँ पर आपको कुछ स्मोकी स्मोकी टाइप सा डार्क सा डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाएगा इसके रेयर लाइट्स में। ये पूरी आपकी कनेक्टेड LEDs हैं कुछ Z टाइप के डिज़ाइन में। इधर आपका इंडिकेटर्स एंड रिवर्स पार्किंग लैम्प एंड यहाँ पर आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। ये आपको 4 सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड जैसा कि आपने फ्रंट में डिज़ाइन देखा था, कुछ उसी टाइप का कार्बन फाइबर फिनिश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। एंड नीचे आपको इधर रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, कुछ इस टाइप से स्पोर्टी लुक देने का ट्राई किया गया है होंडा सिटी को। यहाँ पर आपका स्टॉप लैम्प है, डिफॉगर है, उसके अलावा शार्क एंटीना है। एंड इस साइड में आपको यहाँ पर फ्यूल फिलर कैप मिल जाएगा। एंड फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो वो आपको 40 लीटर्स की मिल जाती है। इसमें बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। यहाँ पर कुछ ऐसा आपको 506 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पर आपके लिए। कुछ इस टाइप का इसका स्पेयर व्हील मिल जाएगा। एंड इसके साइज़ की बात करें तो 175/65R15, तो 15 इंच का मिलता है। एंड स्टील व्हील ही मिलता है, यहाँ पर कोई भी अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं है। एंड इधर आपका बाकी टूल किट वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी कुछ इस टाइप से। तो काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस है। बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, और उससे पहले मैं आपको इसकी कीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर कुछ इस टाइप की आपको कीज़ मिलेंगी, तो लॉक अनलॉक एंड होल्ड टू बूट रिलीज, होल्ड टू स्टार्ट। तो यहाँ पर आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी। एंड अनलॉक करते ही कुछ इस टाइप से इसके ORVM वगैरह ओपन हो जाएंगे। एंड आपकी हेडलाइट भी कुछ इस टाइप से ऑन होती हुई दिख जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रियर सीट्स के बारे में। एंड कुछ इस टाइप से आपका इसका डोर ट्रिम है। यहाँ पर ब्लैक एंड बीच का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर डोर आपके विंडो के कंट्रोल्स, इधर आपका एक क्रोम फिनिश में दिया है। इधर लॉक अनलॉक
इधर आपका स्पीकर है, यहाँ पर ट्विटर्स दिए हैं, तो टोटल आपको इसमें 8 स्पीकर्स का सेटअप मिल जाता है। इधर आपको थोड़ा सा स्पेस बॉटल होल्डर के लिए, यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप से रियर सीट्स हैं, अच्छी कुशनिंग वगैरह यहाँ पर दी हुई है एंड काफ़ी लॉन्ग सीट्स हैं, 3 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं एंड स्पेस की किसी तरह से कोई भी कमी नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो आपकी यहाँ पर फ्रंट सीट्स जो हैं वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड हैं, मेरी हाइट 6 फीट के अराउंड है और यहाँ पर मुझे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस मिल रहा है। इधर आपको यहाँ पर कुछ स्पेस वगैरह मिल जाएगा, इधर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर आपको AC के वेंट्स हैं, नीचे आपको 12 वोल्ट के 2 सॉकेट्स मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पर अगर ये मिडल हम्प की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इतने ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जो भी बीच में बैठता है। और ये थोड़ा सा यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है ये इंक्लाइंड है, तो आप जैसे बैठेंगे तो पैर इस तरह से रखने में आपको थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। यहाँ पर आपको इधर लाइट्स मिल जाती हैं कुछ इस टाइप से, इधर यहाँ पर हैंडल्स दिए हुए हैं एंड इधर आपको हुक मिल जाता है, पर आप कुछ भी लटका सकते हैं। ये आपका सेंटर आर्मरेस्ट है, बिटवीन कप होल्डर्स एंड यहाँ पर आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स दी हुई हैं कुछ इस टाइप से एंड ये आपके हेडरेस्ट वगैरह इधर हो जाएंगे। एंड एक चीज़ और दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से रियर में सनब्लाइंड भी मिलती है, तो इसको यहाँ पर लगाने के बाद धूप वगैरह थोड़ा सा कम आएगी तो अंदर जो आपकी कूलिंग होगी वो मेंटेन रहेगी। इसको हटा देते हैं एंड बात करते हैं उसके फ्रंट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप बात करें फ्रंट सेक्शन की तो कुछ ऐसा यहाँ पर डोर ट्रिम मिल जाता है, इधर आपका ORVM के कंट्रोल्स, लॉक एंड लॉक विंडो के कंट्रोल्स, ये आपका हैंडल आपका क्रोम फिनिश में है, इधर लॉक एंड लॉक, यहाँ पर आपका बॉटल होल्डर, इधर स्पीकर्स, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको सीट्स मिल जाएंगी, इधर आपको एयरबैग्स की वेजिंग मिल जाएगी। तो एयरबैग्स की बात करें यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे एंड सीट में आपको कुछ इस टाइप से एड्रेस देखने को मिलेगा, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं आपको ड्राइवर एंड को पैसेंजर एंड यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट वगैरह मिल जाएगा एंड इधर आपको सीट्स में सपोर्ट मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं एंड डोर में यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ हुआ मिल जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा इसका स्टीयरिंग व्हील, पूरा लेदरेट है एंड इधर आपको मीडिया कंट्रोल्स वगैरह, वॉइस कमांड फीचर एंड इस साइड में आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। इधर अगर आप देखेंगे तो आपका वाइपर का स्टॉक, इस साइड में आपको हेडलैम्प का स्टॉक मिल जाएगा और दोनों ही आपको यहाँ पर ऑटो मिलते हैं, तो रेन सेंसिंग वाइपर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प के साथ आती है। तो ऑन कर लेते हैं फटाफट से इग्निशन, तो फर्स्ट टाइम में आपका कुछ इस तरह से इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन होगा एंड सेकंड टाइम प्रेस करते ही आपका इग्निशन कुछ इस टाइप से ऑन हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सा और काफ़ी प्रीमियम सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इस साइड में आप देख पाएंगे आपको RPM मीटर, इस साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सीट बेल्ट की वार्निंग भी दिखती हुई मिल जाएगी एंड इधर आपकी बाकी वार्निंग लाइट्स और इस जगह पर भी आपको वार्निंग लाइट वार्निंग मिल रही है सीट बेल्ट्स के लिए, इधर आपको स्पीड एंड ऑल अलर्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, नीचे आपका फ्यूल गेज दिया हुआ है और इसमें TPMS वगैरह भी आपको मिल जाता है। एंड अगर पूरे डैशबोर्ड की यहाँ पर बात करें तो काफ़ी प्रीमियम सा डैशबोर्ड है एंड AC वेंट के अगर आप किनारे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिल्वर साटन फिनिश मिलेगी, यहाँ पर भी डैशबोर्ड में आपका पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है, इधर आपका पूरा हार्ड प्लास्टिक ही है एंड कुछ इस टाइप से मिलता है इसका डैशबोर्ड का लुक, यहाँ पर आपको पिन
पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, दिख जाएगी। नीचे आपका ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंड उसके नीचे यहाँ पर 2 USB पोर्ट और यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। इधर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, यहाँ पर आपका आपका फोल्डर्स मिल जाएंगे। एंड ये मॉडल आपका CVT ट्रांसमिशन के साथ है, तो यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप से इसका गियर नॉब है। एंड उसके बाद इधर आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक कुछ इस टाइप से मिल जाएगी, इधर थोड़ा सा स्पेस एंड कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे भी स्पेस मिल जाता है। एंड ये फिक्स ही है तो इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ पर इसके आप देखेंगे तो काफ़ी प्यारा सा लग रहा है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको मिल जाएंगी लाइट्स, जितने भी आपके नॉब वगैरह हैं आप, तो कुछ इस टाइप से है इसका डैशबोर्ड एंड एवरीथिंग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा, एंड इधर आपकी लाइट्स हो जाएंगी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से टिकट होल्डर वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पर आपका वैनिटी मिरर है। एंड इस साइड में दिखाऊँ तो यहाँ भी आपको कुछ इस टाइप से वैनिटी मिरर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर सनरूफ, सनरूफ ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस टाइप से इतनी बड़ी सनरूफ आपको मिल जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पर दिखाऊँ आपको हैंडल्स मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इधर भी आपको साइड कर्टन एयरबैग्स की बैजिंग मिल जाएगी, इस तरफ भी यहाँ पर आपको एयरबैग्स मिल जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से है होंडा सिटी ZX का इंटीरियर एंड एवरीथिंग। एंड एक चीज़ और, इधर यहाँ पर आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन एंड हेडलैम्प लेवर मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा सा फीचर आपको दिखाऊं तो साइड में इसमें आपको कैमरा मिल जाएगा एक, तो यहाँ पर उसके लिए बटन दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, इसको ऑन करते ही आप यहाँ पर साइड का व्यू ले सकते हैं, और ये साइड कैमरा आपको इस मिरर के नीचे मिलेगा। एंड उसके अलावा एक कैमरा आपको रियर में मिल जाएगा, तो जैसे ही रियर आप रिवर्स गियर यहाँ पर लगाएंगे वैसे ही आपको गाइडलाइंस के साथ पूरा कुछ इस टाइप से कैमरा मिल जाएगा। एंड इसके अलावा स्टीयरिंग में अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट मिल जाएंगे कुछ इस टाइप से। एंड इधर आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे। तो अब अगर बात करें इस कार की सेफ्टी के बारे में तो आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर लेन वॉच कैमरा मिल जाएगा जिसका व्यू अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ अंदर। इसके अलावा आपका ऑटो अप एंड डाउन विंडोज मिल जाएंगी विद पिंच फीचर। इसके अलावा अगर बात करें ये 5-स्टार रेटेड कार है, ग्लोबल NCAP में इसे 5-स्टार मिले हुए हैं। एंड इसके अलावा आपको इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल्स मिल जाएंगे, रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके सेफ्टी के फीचर्स के तौर पे मिल जाती हैं। बात कर लेते हैं अब इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से इसका इंजन मिल जाएगा। एंड इधर आपको दिखाऊँ मैं तो इंसुलेशन अगर आपको इसमें मिल जाता है, एंड अगर इसके इंजन के बारे में बताऊं तो आपको 1498 सीसी का इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 121 PS की पावर एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें अगर माइलेज की बात करें तो आपको CVT ट्रांसमिशन के साथ 18.4 KMPL का माइलेज मिलेगा, एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 17.8 KMPL का माइलेज मिल जाएगा। तो ये थी सारी डिटेल होंडा सिटी के बारे में, ये आप इसका टॉप एंड वेरिएंट देख रहे थे। एंड अब अगर इसकी मेन चीज़ जो कि प्राइसिंग है उसके बारे में बात करें तो जो बेस मॉडल इसका स्टार्ट होता है वो 11,49,000 से स्टार्ट होता है। एंड आप ये देख रहे थे CVT ट्रांसमिशन के साथ टॉप मॉडल, तो इसका प्राइस है 5,97,000। तो कुछ इस टाइप से हैं इसकी सारी डिटेल्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड इसी तरह के वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।